दोनों मेरे हीरो एंड बोथ आर माय फेवरेट्स, इसलिए मैं आज सुबह ही बता रहा था कि अगर 10% भी उनके जितना इम्पैक्ट कर सकूँ, इट इज माय ड्रीम कम ट्रू, बिकॉज बोथ हीरोज। बहुत मुश्किल से आप अपने आप को किसी भी ब्रांड से एसोसिएट करते हैं, रीजन यू नो एसोसिएट योरसेल्फ विद जीएम। ये मैं थोड़ा चेंज करना चाहूँगा, मैं कहूँगा कि जीएम मेरे साथ एसोसिएट हुआ, क्योंकि मेरी एसोसिएशन उस वक्त हुई जब मैं फिल्में कर भी नहीं रहा, मैं ब्रेक पे था, सबैटिकल था, ख़राब फिल्में आई थी मेरी। और जनरली एक ब्रांड तब जुड़ता है एक एक्टर से जब वो बिकता है, क्योंकि दी वर्ल्ड ऑपरेट्स लाइक दैट, एंड मैं इतना क्लियर और क्रिस्टल क्लियर हमेशा रहा हूँ कि तो मैं एक दिन फ्लाइट पे था और जयंत और राजेश भाई मेरे साथ थे, और ऐसे ही बात करते करते उन्होंने बोला हमारी ब्रांड है, आप जुड़ोगे क्या? तो आई सेड ऑफकोर्स जुड़ूंगा, क्यों नहीं जुड़ूंगा। लेकिन जब प्लेन से उतरे और मुंबई पहुंचते तो आके ही फ़ोन आया कि हमको हम जुड़ना चाहते हैं, और तब से मैं जुड़ा। और मैं एज एन एक्टर नहीं जुड़ा, एज ए फैमिली जुड़ा, यू नो। अच्छे टाइम में मैं हमेशा कहता हूँ कि सब साथ रहते हैं, लेकिन जब टाइम किसी का, मैं बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन टाइम अच्छा न चल रहा हो और कोई साथ जुड़ता है, विच मीन्स इट्स अ रिलेशनशिप। और ये मियाँ बीवी जैसे रिलेशनशिप होता है कि बीवी को खामियां भी पति पता है, सब कुछ पता है, फिर भी हमेशा जुड़े रहती है, बच्चों को संभालते रहते हैं। सो दैट्स द रिलेशनशिप बिटवीन जीएम एंड मी, एंड इट्स ब्यूटीफुल, क्योंकि जीएम के साथ जो लोग भी जुड़े हुए हैं, मैं सिर्फ जीएम के डायरेक्टर्स और चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डाउन द लाइन अगर आप देखोगे तो जीएम की एंटायर फैमिली है, व्हिच इज सुपर। आप क्या कहना चाहेंगे? जब मैं अंदर की बात करता हूं, मैं वेरी ब्लंट जो है वो कह देते हैं, मीडिया ग्रुप को शायद ये बोलेगा कि भाई अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन यो ब्रांड कितना कनेक्टेड है, कनेक्टेड है आप, ये ऑनेस्टी की बात है कि जो है वो कहा जा रहा है। अन्ना जो भी बात करता है दिल से करता है, उनके सारे अल्फाज दिल से ही निकलते हैं। ही इज ट्रूली ऑनेस्ट पर्सन, ग्राउंड टू द अर्थ, ही इज ग्रेट पर्सनालिटी। सो अन्ना इज, व्हाइल टॉकिंग टू यू अन्ना इज सेइंग इज बिकॉज ऑफ, आई थिंक अन्ना इज सो हम्बल टू से दोज वर्ड्स, बट ऑनेस्टली आई थिंक वी आर वेरी लकी टू हैव अन्ना एज अवर ब्रांड एम्बेसडर, एंड आई थिंक आफ्टर ही इज जॉइनिंग अस अवर बिजनेस हैज ग्रोन अप, एंड द वे ही इज बीन लाइक अ फैमिली मेंबर फॉर अस, आई थिंक नो एक्टर इन द बॉलीवुड कैन एग्जैक्ट टेक हिज पार्ट। Brand ambassador, he said the certain thing is going up. How proud you feel? Oh, very, very, very proud. Because I've seen the brand grow. And ये नहीं कि you know I'm not just a face. मैं जब कुछ discuss भी करता हूँ, अभी छोटी सी चीज है, iPad के लिए कुछ नया product आया हुआ है, I said you know ये we should use it as a shoot stand, क्योंकि सब लोग reel बना रहे हैं, सब लोग कुछ कर रहे हैं, तो एक problem का solution है ये, you know, and जब एक problem
की सोल्यूशन आप देते हो तो वो मास में बिकता भी है क्योंकि सबको उसकी ज़रूरत है। तो इमीजिएटली आइडेंटिफाई करके हाँ हाँ विल इम्प्लीमेंट दैट, हम ऐसे ही करेंगे, तो जब कोई सुनता है फील्स गुड। और जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं, वी इंडियन वी वोकल अबाउट लोकल, एंड आई थिंक ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि एक लोकल ब्रांड इंटरनेशनल ब्रांड्स को स्पेन में हो, दुबई में हो, जहाँ भी जाए, अफ्रीका में हो, जहाँ भी जाए, तो टफ कॉम्पिटिशन ही नहीं दे रहा है, उनको नानी भी याद दिला रहा है, विच इज अ ड्रीम फॉर एनी ब्रांड एंड दी पीपल बिहाइंड द ब्रांड। नाउ कमिंग बैक टू द रावी बैंक, अदर द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट वाज वर्किंग ऑन द बजट। आई फील यू वर समवेयर डाउन द करेक्टेड इमोशनल दिस मॉडल बिल इट कम्स इवन व्हेन यू प्रोग्राम व्हेन यू आर देयर इन Yeah, that's because that's what I believe family is all about. I've always believed, people have always said work is worship, then the family is God, then my father and my parents are my God and goddesses, and I've always kept family above everything. Industry mein bhi, jab log kaam ke liye raat ko idhar udhar daudte the aur networking karte the, meri networking mere ghar mein hoti thi. I've enjoyed a 30-year career. पिछले 6-7-8 साल से आई थिंक आई वॉज नॉट इवन अराउंड, लेकिन मीडिया ने मुझे याद रखा, वही प्यार दिया। और आज जब धारावी रिलीज़ हो रही है, आई थिंक ये तीसरा दिन या चौथा दिन है, लोग थलाइवा ऑलरेडी बुलाने लग गए, विच इज़ द साइन ऑफ अ ग्रेट प्रोडक्ट। और ये मैं यू नो जी स्टूडियोज़ एम एक्स शो, उन्होंने भी बिलीव किया कि यार इतना बड़ा शो सुनील शेट्टी जो लापता है वो क्या ही कर सकता है। एक 22 या 23 साल की लड़की सिनिका है जिसने डायलॉग्स लिखे इसके। आप हमेशा सोचोगे कि ये डायलॉग्स, यू एसोसिएट दिस ब्लैंजर ऑफ डायलॉग्स टू अन अनीस बज़मी और रजत अरोरा या कोई बड़े राइटर्स, लेकिन एक यंग लड़की, एक लड़की जो धारावी की भाषा समझ के उसने वो लिखा हुआ है। प्रोस्थेटिक्स, हॉलीवुड के प्रोस्थेटिक्स नहीं थे, शायद सुनील शेट्टी था तो वो अफोर्ड नहीं कर सके, तो उन्होंने किसी लोकल लड़की को लेके ये करवाया और उसने जो प्रोस्थेटिक्स किए। सो आई थिंक ओवरऑल जब कुछ किसी चीज़ का चलना होता है, एक ऑनेस्टी होती है, वो चल जाती है। तो इट्स द इम्पैक्ट ऑफ मेरी फैमिली, क्योंकि आप अगर धारावी देखोगे, विवेक इज आउटस्टैंडिंग इन द फिल्म, सोनाली इज आउटस्टैंडिंग इन द फिल्म, बट माय फैमिली, मेरे जो बेटे हैं, दो बेटे हैं, मेरी 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 बहन है, मेरे जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड वो है, दे कंप्लीट द थलाइवन फैमिली एंड धारावी। और हम दुनिया के, यू नो आई हैव ऑलवेज लाइक्ड नार्कोस, और मुझे लगा कि क्या वेब सीरीज है यार, लेकिन एक चीज़ मैंने जब थलाइवा और इसकी कहानी में फ़र्क देखा, तो वो पूरे उसके पूरे सीजन में भागता रहता है एक जगह से दूसरी जगह, पुलिस से डर कर, एनिमी से डर कर, बल्कि थलाइवा 15 या 20 साल वहीं 52 एकर्स के बीच रहे और पुलिस को कहा कि आओ मुझे ये कर लो। सो इट टॉक्स अबाउट दी बिलीव ऑफ द मैन कि ये जो बाकी घर है मेरे इर्द गिर्द, ये मेरे सैनिक है और कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि ये है। सो दैट ऑल्सो शोज कि जितना भी टेरर हो, उतनी उसकी रिलेशनशिप जो उसने बिल्ड करके रखा है। और मेरी ज़िंदगी में सिर्फ मेरे रिलेशनशिप्स काम आए, बाकी कुछ नहीं। हाइज और लो भी रहा हूँ तो मेरे रिलेटिव्स ने, मेरे दोस्तों ने मुझे वो हाई पे रखा, विच इज़ वॉट लाइफ इज़ ऑल अबाउट, होल्डिंग ईच अदर्स हैंड्स, टेकिंग ईच अदर फॉरवर्ड। सो आई थिंक दैट्स व्हाई आई रिलेट टू दैट। आप दोनों से क्या खास है ब्रांड में, ऑफकोर्स खास होगा तभी इतना जुड़े हैं, व्हाट मैसेज डू यू वांट टू गिव द ऑडियंस द फैन ऑफ योर्स, हाउ दे कैन नो जीएम इज अ ब्रांड दैट यू कैन ट्रस्ट ब्लाइंडली। आज प्रोडक्ट में कुछ खामियां भी हो जो जनरली यू नो 100% फुल प्रूफ तो नहीं होता, तो आई थिंक दे पिक अप द फोन एंड आर विलिंग टू आंसर दैट एंड एड्रेस योर प्रॉब्लम। सो जब भी आप किसी चीज़ कहीं जाते हो और आपको पता है कि नहीं यार मेरा आफ्टर सेल सर्विस टेरिफिक होगा, तो आप इमीजिएटली सोचते नहीं हो, आप एसोसिएट हो जाते हो। तो आई थिंक दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द ब्रांड एंड दैट इज़ सुनील शेट्टी फॉर यू, कि
अच्छे वक्त में शायद मैं दिखूँ ना दिखूँ, लेकिन बुरे वक्त में अगर आपने एक फ़ोन किया मेरे से जो हो सका मैं डेफिनेटली करूँगा। सर डेफिनेटली जीएम में सब कुछ खास है, लाइटिंग से लेके स्विचेस एक्सेसरीज फैन डेली इनोवेशन है यहाँ पे। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, अन्ना सबसे खास है। जीएम तो है ही है बैक एंड पे, बट अन्ना इज देयर इन फ्रंट हैंड, सो वी आर देयर। So we are proud to be one Indian company, you know, having a lot of products made for our people, because our first priority is our country, Make in India. And we are proud to be also present in the other international markets like UAE, Dubai, Africa, Spain, and also UK. So I think it has been God's grace that we are all Indian, and we want to be, you know, proud to be Indian company, you know, having flags in the other countries also. ब्रांड विद अ हार्ट, अच्छे काम के लिए कभी भी फ़ोन कीजिएगा कि ये बच्चों के लिए ये चाहिए या मेरे एनजीओ के लिए विपला फाउंडेशन के लिए वो चाहिए, दो बार सोचेंगे नहीं। किसी बस्ती में कुछ लगवा लाइट्स लगवा के देने हैं और एक फ़ोन कॉल गया कि यू नो ये एरिया में लाइट्स के प्रॉब्लम लगवा देने, दिल डू। तो जब आपका दिल सही जगह पर होता है अपने आप, बिकॉज यू से फ्रॉम वॉट यू गेट यू मेक अ लिविंग, बट फ्रॉम वॉट यू गिव यू कैन मेक अ लाइफ। And I think GM can make a difference in people's lives. That is what is beautiful. Thank you so much. हेरा फेरी आएगी जरूर, हेरा फेरी की प्लानिंग भी हुई जरूर। थोड़ा थोड़ी कहानी में कल ट्विस्ट सुनी मैंने, लेकिन मैं बिजी रहा हूँ दरावी में और इन चीज़ों में। आई थिंक वंस दैट सेटल्स मैं बैठूँगा, देखूँगा, चाहूँगा कि सब एक साथ हो, लेकिन हेरा फेरी 3 बनेगी जरूर। जल्दी मार्च में चालू हो जाएगी और मार्च 1 तारीख को चालू, 2 तारीख को ख़त्म।